हिंदू समाज की ऐसी मान्यता है कि हम क्या है कि हम पशु हो, पक्षी हो, मान पत्थर हो, जो भी कोई है, सभी में प्राणी मात्र मानते, कहते कि सब ब्रह्म एक है, ऐसा हिंदू समाज की मान्यता है। परंतु पिछले काफी लंबे समय तक यहाँ विदेशों का हमला रहा और उसके कारण हम संघर्ष करते रहे, और संघर्ष करते करते ही हम अपने आप को तो सुरक्षित किया, परंतु कुछ ऐसे समाज के अंदर ऐसे अपभ्रम पैदा हुए जिसके कारण उस सारी चीज बदल गई धीरे धीरे। पिछले कुछ वर्षों में क्या हुआ कि भ्रमित हो गया समाज और अपने ही समाज के लोगों को जानवर से भी बदतर मानने लगे, जातियों में बट गया सारा समाज। क्या हुआ, जहां हम इतनी बड़ी संख्या में हिंदू समाज है, छोटी छोटी जातियों में बट गए तो हमारी संख्या कितनी होगी, और जाति भी उपजाति होगी, माने समझो 6000 उपजाति अपने देश में होगी, तो सब बट गए एक जगह। तो हम कहते हैं यदि हम वैश्य ब्राह्मण की बात करते हैं तो कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 5-7 करोड़ तक सिमट जाएंगे। वैश्या की बात करते हैं तो 8-10 करोड़ तक। इस प्रकार सभी जातियों को तो छोटे छोटे, इतना बड़ा समुद्र जैसा अपना समाज है, परंतु क्या हो गया, वो जातियों के कारण छोटे छोटे नदियों जैसा हो गया। तो हम जब जातियों का नाम लेते तो हम क्या हो जाते हैं, अल्पसंख्यक हो जाते हैं। तो अपने आप को हमने हिंदू कहना बंद कर दिया, हिंदू नहीं कहते। और कैसी परिस्थिति होगी देश में, ये भेदभाव छुआछूत के कारण हिंदू समाज बार 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 ये भारत गुलाम हुआ है। क्योंकि यदि हम इकट्ठे रहेंगे तो हम शक्तिशाली रहेंगे, और यदि हम अलग अलग हो जाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। उसी का लाभ उठाया विदेशियों ने और यहाँ पर शासन लंबे समय तक करते रहे। कैसी स्थिति होगी कि कितने कैसे उदाहरण देते हैं, हमारे सामने दिखाता है परम पूज्य डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर का कैसा उदाहरण देता है। तो महाराष्ट्र में एक स्थान है, वहाँ एक तालाब है, उस तालाब पर वो बैरिस्ट्री करके आए थे। वहां पर जाकर उन्होंने गांव के सारे लोगों को एकत्रित किया और एकत्रित करके कहा, भाई इस तालाब के अंदर सब लोग जल पी सकते हैं, हम क्यों नहीं पी सकते। आप कहते हो कि आप अशिक्षित है, अनपढ़ है, मैं तो बैरिस्ट्री करके आ सकता आया हूं, मैं क्यों नहीं पी सकता। और तो और आपके कुत्ते, बिल्ली, गधे, सर उसमें जल पीते हैं, हम क्यों नहीं पी सकते। इस्लाम धर्म के मानने वाले जो है वो इसमें जल पी सकते हैं, हम नहीं पी सकते। ऐसे भेदभाव के कारण ये हिंदू समाज बहुत कमजोर हो गया। इसी के लिए संघ की स्थापना भी हुई। ये छुआछूत भेदभाव के कारण देश गुलाम हुआ है, कमजोर हुआ है, ये समाप्त होना चाहिए। तो इसलिए समरसता का भाव लेकर अपने सब महापुरुषों का, परम पूज्य डॉक्टर साहब का, द्वितीय सर संघ चालक हुए गुरु जी, तृतीय हुए, सबका समरसता पर ही बड़ा बहुत आग्रह रहा है कि समरसता नहीं होगी, यदि छुआछूत होगी तो देश कभी भी मजबूत नहीं हो सकता, और हिंदू समाज कभी मजबूत नहीं हो सकता। परंतु धीरे धीरे अब समाप्त की तरफ चला जा रहा। अब कुछ कोई बड़े बड़ी आयु का कोई ऐसा होगा जहां है, परंतु संघ का इतना प्रयास के कारण आज बहुत कम दिखाई देता है। बहुत कहीं इंटीरियर में होगा, वहां पर भी संघ, आप पहले संघ शहरों में था, अब धीरे 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 अब कहां गांवों तक चले गए। अब गांवों तक गए हैं तो अगले वाले 5 वर्षों में ये गांव में भी जो थोड़ा थोड़ा प्रभाव है, बहुत इंटीरियर में, यहाँ तो कहीं है नहीं, बहुत चले जाएंगे पूर्वांचल में, बुंदेलखंड की तरफ, वहां पर थोड़ा बहुत है। परंतु संघ का काम धीरे 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 गाँव में जा रहा है। अभी सब गाँवों में तय किया कि हर गाँव में हम शाखा लगाएंगे। तो ये संघ का काम धीरे धीरे जब बढ़ेगा तो वो जो थोड़ा बहुत वहां पर है वो भी समाप्त हो जाएगा।